हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम अंडरराइटिंग कमीशन, उसका एक इम्पोर्टेंट सम है, सम नंबर 14। सम नंबर 14 जिसका नाम है जय हिंद लिमिटेड, उसका सॉल्यूशन, वो सम कैसे सॉल्व किया जाता है वो इस लेक्चर में समझेंगे। ये सम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है। सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड सम नंबर 14, जय हिंद लिमिटेड। आपके पास ये सम की इन्फॉर्मेशन तैयार रखना, जब भी जरूर पड़ेगा तब साथ में इन्फॉर्मेशन समझते जाना है। चलो इन्फॉर्मेशन में नोटिस करते जाना। सो आपको सम नंबर 14 में फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, जय हिंद लिमिटेड रिजॉल्व टू इश्यू 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम। सो 1,60,000 शेयर इश्यू हो रहे हैं, उसमें आउट ऑफ विच 50% शेयर्स वेर टेकन अप बाय डायरेक्टर्स। अब ये समझना है, 50% शेयर डायरेक्टर्स ले जाते हैं। उसके बाद लिखा है, एंड द रिमेनिंग शेयर्स वेर इश्यूड टू द पब्लिक। तो टोटल 1,60,000 शेयर इश्यू किए हैं, उसमें से 50% शेयर्स डायरेक्टर्स ले जा रहे हैं, वो परचेस कर लेते हैं। जितने से डायरेक्टर्स परचेस करते हैं वो शेयर हमें यहाँ पर यूज नहीं करना है। पब्लिक में जितने शेयर इश्यू होते हैं वही हमें वर्किंग में, कैलकुलेशन में यूज करना है। तो 1,60,000 में से 50% डायरेक्टर्स ले जा रहे हैं, तो 50% शेयर पब्लिक में इश्यू हो रहे हैं। सो हमें जो मालूम है कि सबसे पहले हमें लिखना है ऑथोराइज शेयर्स, लेकिन ये सब में नहीं दिया है, नॉट गिवन। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें वैसे भी ज़रूरत नहीं है ऑथोराइज शेयर्स की। अब इश्योर्ड शेयर्स में देखो, 1,60,000 है, लेकिन वो शेयर्स हमें यहाँ पे बताने नहीं है, क्योंकि 1,60,000 में से 50% शेयर्स डायरेक्टर्स परचेज करते हैं, हमें ओनली पब्लिक में कितने शेयर इश्यू हुए हैं वही बताना है। सो 1,60,000 का 50% शेयर्स पब्लिक के लिए इश्यू होता है, तो 160 उसका 50% आंसर इज 80,000। सो आपके लिए 1,60,000 शेयर इश्यू भले किए, हमें 80,000 शेयर से ही पूरा सम वर्किंग करना है। फिर आगे फेस वैल्यू, नेक्स्ट वर्किंग है हमारी। फेस वैल्यू है ₹100, कितने प्रीमियम से इश्यू हो रहा है, 20% प्रीमियम से। 100 का 20% ₹20, तो इश्यू प्राइस कितना आया, ₹120। अब अंडरराइटिंग कमीशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस, आप ऐसी जगह पर आ रहे हो, ये डिसाइड करना प्रॉपरली आपको मालूम होना चाहिए। तो क्रेडिट गिवन से सम सॉल्व करना है कि क्रेडिट नॉट गिवन से, इन्फॉर्मेशन में चेक करना। लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, डिटरमाइन द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द अंडर राइटर्स
ऑफ द बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज टू बी गिवन। सो यहाँ पर बेनिफिट इज गिवन लिखा है, दैट मीन्स क्रेडिट इज गिवन समझना है। सो यह सम हमारा क्रेडिट इज गिवन से सॉल्व होगा। अब प्रॉपर वर्किंग शुरू होती है। स्टेप वन मार्क एप्लीकेशन। चलो इन्फॉर्मेशन में चेक करना कितनी मार्क एप्लीकेशन है। लास्ट में आपको मार्क एप्लीकेशन लिखकर दिया है, जैसे कि ए उसका मार्क एप्लीकेशन है 28,000, बी 11,200 एंड सी 12,800, जिसका टोटल 52,000, जिसका टोटल होता है 52,000। अब ये मार्क एप्लीकेशन थी, आपको लास्ट में लिख कर दिया है, अब देख लेना पता चल जाएगा। अब हमारा रूल था कि जब क्रेडिट गिवन होगा तो यहाँ पर फर्म अंडरराइटिंग मार्क एप्लीकेशन में प्लस होता है, लेकिन ये सम ऐसा है जिसमें क्रेडिट गिवन है फिर भी फर्म अंडरराइटिंग प्लस करना नहीं है। अब ये क्यों नहीं होता है ना, यही समझना है। तो चलो समझाते हैं क्यों प्लस नहीं करना है। देखो मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन का एक पैराग्राफ यहाँ पे नोट डाउन किया है और ये पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो समझाते हैं क्या है पैराग्राफ। एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 72,000 शेयर्स इन विच मार्क एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग वेयर एज फॉलो। तो यहाँ पे नोटिस करना है मार्क एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। सो ये जो आपको मार्क एप्लीकेशन लिख कर दी थी उसमें इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग लिखा है, नोटिस करना पूरी एक्सरसाइज में। ये ओनली वन सम है जिसमें ऐसा सेंटेंस है कि मार्क एप्लीकेशन में इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग दिया है। सो हमें पता चलना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि ये जो मार्क एप्लीकेशन है उसमें इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग हो गया है। दैट मीन्स आपने ये जो अमाउंट लिखी है ना उसमें ऑलरेडी फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड हो गई है। मैं यहाँ पे नोटिस करके लिखवा देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिखा है इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, लेकिन ये मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। तो क्रेडिट गिवन है, यहाँ पे इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग हो गया है, उस वजह से दूसरी बार आप प्लस नहीं कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे फॉर्म अंडरराइटिंग प्लस कर दिया दैट मीन्स ऑलरेडी यहाँ प्लस था, सेकंड टाइम आपने प्लस किया वो चलता नहीं है। सो आप ये पूरा सम इसी सेंटेंस के लिए इम्पोर्टेंट है जिसको नोटिस करना समझना। तो मार्क एप्लीकेशन उसका फाइनल आंसर तैयार हो गया। स्टेप टू अन मार्क एप्लीकेशन। पहले हमें लिखना है एप्लीकेशन रिसीव्ड, फिर टोटल कितना एप्लीकेशन मिला था, यहाँ पे लिखा है 72,000। अब ये जो सेंटेंस था 72,000 वाला पैराग्राफ उसमें लिखा था इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। सो यहाँ पे मुझे लिखना है इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। 72 में फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड हो गई है, सो हमें सेकंड टाइम यहाँ पे वो प्लस करना नहीं है।
सो 72,000 टोटल आएगा हमारा। अब उसमें से मार्क एप्लीकेशन का टोटल, भाई मार्क एप्लीकेशन था 52,000, माइनस करना है। सो एज पर दिस एग्जांपल अनमार्क एप्लीकेशन कितना आया, 20,000। सो मार्क एप्लीकेशन मिल गया, अनमार्क एप्लीकेशन मिल गया। अब स्टेटमेंट शोइंग नेट लायबिलिटीज ऑफ अंडरराइटर, चलो वो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस लायबिलिटीज, अंदर चेक करो इन्फॉर्मेशन में, ऊपर की इन्फॉर्मेशन जो है उसमें ए 40,000 शेयर्स है। सो ए उसका ग्रॉस लायबिलिटीज 40,000, बी 24,000, सी 16,000, जिसका टोटल 80,000। नोटिस करना, ये 80,000 ऑलरेडी मैंने यहाँ पे समझाया था कि पब्लिक में कितने शेयर इश्यू हुए होंगे, 80,000 शेयर्स। अब ये परसेंटेज में नहीं है, ये शेयर्स है, तो इसका रेशियो ऊपर लिखना है। अगर मैं सब में से मिनिमम 0.3 बराबर 3 जीरो में निकालता हूँ तो रेशियो होगा 40:24:16, और ये तीनों का टोटल यहाँ पे होता है 80। यहाँ से ये बता सकते हो, ग्रॉस लायबिलिटीज माइनस मार्क एप्लीकेशन। सो मार्क एप्लीकेशन 28,000, 11,200, 12,800 and 52,000, चलो माइनस करते हैं 12,800, 3,200, 28,000। सो हमने ग्रॉस लायबिलिटीज में से मार्क एप्लीकेशन माइनस कर दिया। अब हमें माइनस करना है अनमार्क एप्लीकेशन, जिसका आंसर 20,000 आया था। सो टोटल के कॉलम में 20,000 बता दिया मैंने। अब ये 20,000 को 40:24:16 में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट के लिए कैसे वर्किंग होगी, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 80, आंसर इज 10,000। सेकंड, 20,000 इंटू 24 डिवाइड बाय 80, आंसर 6,000। एंड लास्ट, 20,000 इंटू 16 डिवाइड बाय 80, आंसर इज 4,000। अब ये सभी को माइनस करना है। सो फर्स्ट में 2,000, सेकंड 6,800, थर्ड में माइनस 800 आएगा। 3,200 में से अगर 4,000 माइनस करूँ तो माइनस 800 आता है, और लास्ट कॉलम में 8,000। अब ये माइनस आया, उसी रीज़न से हमें नीचे लिखना है सरप्लस। अब सरप्लस का रूल क्या था, कैसे वर्किंग करनी थी, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस कर दो। अब दो कॉलम ये बाकी है, यहाँ पे माइनस करना है, लेकिन उसका रेशियो, भाई उसका रेशियो क्या है, 40:24 जिसका टोटल होता है 64। अब इसको आपको डिवाइड करना है। सो 800 इंटू 40 डिवाइड बाय 64, आंसर इज 500। सेकंड में 800
इंटू 24 डिवाइड बाय 64, आंसर इज 300। तो सरप्लस में हमारा रूल था प्लस करो और वही अमाउंट माइनस करो, सो इसका टोटल तो जीरो होगा सर। अब फाइनल प्लस माइनस करते हैं, 1500, 6500, 0 एंड 8000। सब कुछ ख़त्म होता है तब लास्ट में फॉर्म अंडरराइटिंग ऐड कर दो, सो प्लस फॉर्म अंडरराइटिंग। चलो फॉर्म अंडरराइटिंग चेक करना, इन्फॉर्मेशन में ऊपर आपको दिया था 8000 A, 4000 B, 4000 C, जिसका टोटल 16000। सो फाइनली अंडरराइटर्स को कितने शेयर परचेस करने हैं, जिसको हम बोलते हैं नेट लायबिलिटीज। फर्स्ट में 9500, सेकंड 10500, थर्ड 4000 एंड उसका टोटल 24000। सो हमारी यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 तक वर्किंग ख़त्म हो गई। नाउ फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन लास्ट में लिखा था, आपको अंडरराइटर्स का नेट लायबिलिटीज डिसाइड करना था, वो तो मिल गया। ऑल्सो कैलकुलेट अंडरराइटिंग कमीशन, चलो वो भी समझ लेते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन वो कैसे काउंट होता है, उसकी फॉर्मूला आपको मालूम है। क्या थी फॉर्मूला? ग्रॉस लायबिलिटीज इंटू इश्यूड प्राइस इंटू रेट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। हर अंडरराइटर के लिए वर्किंग करते हैं, सो ए बी एंड सी। सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटीज, स्टेप थ्री में देखते जाओ, 40000, 24000, 16000, ये सभी अंडरराइटर्स का ग्रॉस लायबिलिटीज है। इश्यू प्राइस हमने स्टार्टिंग में लिखा था, भाई एक शेयर पर इश्यू प्राइस हमें मिलेगा 120, सो मल्टीप्लाई बाय रुपीज 120। और अब रेट ऑफ कमीशन, भाई परसेंटेज कितना है कमीशन का, ये सब में परसेंटेज नहीं दिए हैं। तो रूल क्या था, अगर इक्विटी शेयर का सम है तो 5%, और अगर डिबेंचर का सम है तो 2.5%। अब ये सम इक्विटी शेयर्स पर है, आप देख सकते हो वहाँ पे शेयर्स लिखा था इन्फॉर्मेशन में, सो मैक्सिमम 5% कमीशन हमें देना है। अब अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, कितना कमीशन रुपीज़ में आएगा। जैसे कि फर्स्ट में रुपीज़ 2,40,000, सेकंड रुपीज़ 1,44,000, और थर्ड के लिए वर्किंग करेंगे रुपीज़ 96,000। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, ये सम नंबर 14 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, एन्जॉय योर लाइफ। भारत माता की जय।